का हम स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं माननीय श्री गणेश जी राणे के शुभ मैच शुरू करने शॉल उड़ाकर और सम्मान चिन्ह यादगार ट्रॉफी देकर स्वागत और सम्मान उतवा निवृत्ति मगर सर टीचर है पेशे से और स्वराज इलेवन डोले के स्पॉन्सर करता धरता उनका गणेश राणे की शुभात से स्वागत होता हुआ। उसके बाद एसके सापे के स्पॉन्सर नैनू शर्मा गे जिनका शो हमने देखा ग्रामीण और सिटी पुल का उनका भी स्वागत इस वक्त करते हुए मतबा ड्राइव करते हुए अतीश गोडविंद गेन डीप कवर के बाहर जाती हुई 4 रन। नैनुशर मागी का स्वागत और सम्मान होता हुआ श्वाल सम्मान चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर इसके बाद शपिक सर जो टीचर है बहुत अच्छे इंसान सोसाइटी में बहुत उनकी इज्जत की जाती है माननीय श्री शपिक सर का स्वागत और सम्मान किया जाता हुआ इस वक्त श्वाल यादगार ट्रॉफी सुदाम राणे मेमोरियल ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त गणेश राणे की तरफ से बहुत स्ट्रगल करके टीचर बने उन्होंने काफ़ी सारे कड़ी परीक्षा मेहनत करके आज वो प्लेटफॉर्म पर है उनका भी इस वक्त स्वागत और सम्मान होता हुआ। उसके बाद विनोद विष्णु राणे इस वक्त कथोरे का स्वागत और सम्मान होता हुआ माने श्री गणेश राणे की शुभातों से मतबा शरीर पर लगती भी गेंद देखना क्या कुछ हुआ है लेग बाई का इशारा आता हुआ आसन मोबिन इस मरतबा विष्णु कथोरे का स्वागत होता हुआ हमारे इस बात वीआईपी मंच की शोभा बढ़ाते हुए श्वाल उड़ाकर और यादगार ट्रॉफी गुलाम मोहब्बत पेश करते हुए लौट चलते खेल की तरफ माइज शेख की तरफ वैभव जी कमले से भी निवेदन आपको वीआईपी मंच पर अनवर मंच की शोभा बढ़ानी है। कपिल मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट सामना कर रहे बैट्समैन सिरताज शेख अच्छी गेंद स्वीप करते हुए गेंद जाती हुई इस वक्त मिड विकेट पर बढ़िया कैच बड़ी विकेट सिरताज शेख आउट होकर पवेलियन वापस। हालांकि इस सीजन में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी सोरगांव में एक फाइनल उनके खाते में जा चुकी है। विकेट नंबर एक गिरता हुआ सिरताज शेख के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसती भी माई शेख एसके सापे के हालांकि इन्फॉर्म बैट्समैन है स्वराज डोले टीम के शून्य पर आउट हुए वहां पर सिरताज शेख नए बैट्समैन साहिल बल्लेबाजी के लिए आए। स्मर्तबा ऊपरी सिरा लगाता वहां पर बढ़िया कैच इससे अच्छी और क्या हो सकती है लेकिन पावर प्ले का खेल जारी है और दोनों बड़ी विकेट आउट होते हुए सिरताज शेख और आतिश गोडविंदे। बिल्कुल इसीलिए मैंने पहले ही जब टॉस बॉक्स में ओपिनियन में और टीम के कैप्टन ने भी कहा था कि आतिश गोडविंदे इस सत्र में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं हालांकि पिछले सीजन में जब एसपी के लिए वो खेलते थे और ग्रामीण में तो उन्होंने मुरबाड़ टेनिस क्रिकेट में तो धमाका मचा दिया था। हालांकि मंजीरी और सिद्धि विनायक ऐसी दो टीमें मुरबाड़ परिसर की जिसके लिए वो आइकॉन खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने बहुत कड़ा संघर्ष किया था इस सत्र में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे नए बैट्समैन अब महेंद्र आते हुए लेकिन सामना करते हुए साहिल जूनियर साहिल जूनियर भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है जिनके पास सिटी क्रिकेट का काफी सारा अनुभव है जो फारिस इलेवन मोहित मुरुमकर टीम है। हमारे बीच में आसिफ चिमनाट का हार्दिक स्वागत होता हुआ बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाड़ी एक समय था ओपन क्रिकेट जब जॉली मुमरा और तकदीर इलेवन खेलती थी तब उस समय के आसिफ चिमनाट भी एक मंजे भी खिलाड़ी माने जाते थे। बिल्कुल अब क्रिकेट से काफी वो दूर नजर आते हुए लेकिन खिलाड़ी की फिटनेस और बढ़ती उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए माई शेख ताकि जब उम्र बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक खिलाड़ी का खेल में
बदलाव नजर आता है। दूसरे ओवर के लिए दत्ता सुता रहते हुए खेल की शुरुआत करनी है इसके साथ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन। आज सुपर संडे और मेगा फिनाले का दिन। दत्ता सुतार मुड़ते हुए राइट आर्म और दी विकेट साहिल शेख के लिए। मर्तबा सवाल पूछा लेकिन गेंद शरीर से टकराती हुई इंपैक्ट कहीं ना कहीं बाहर होगा, इसी के कारण शानू कुरेश ने नट आउट घोषित किया। बिल्कुल, एसके स्पोर्ट्स सापे का बहुत बड़ा बिग शो हुआ था नैनेश्वर मागे का वन मैन शो। दत्ता राइट आर्म राउंड विकेट से मुड़ते हुए सामना कर रहे बैट्समैन साहिल। अच्छी गेंद पैरों में आई थी, शफल करते हुए वहां पर दूसरे के लिए पलटे, तेज थ्रो लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो आता हुआ 2 रन पूरे करते हुए। हालांकि सोच बहुत अच्छी थी डीप के खिलाड़ी की, साहिल शेख के एंड पर थ्रो किया था और गेंद को देखा, परखा और नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था, सिर्फ पैरों के सामने से टर्न कर दिया था जबकि खिलाड़ी काफी डीप में नजर है, डीप मिड विकेट और वाइडिश मिड विकेट पर, और उसका लाभ उठाते हुए स्वराज के बैट्समैन साहिल शेख 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। कदमों का इस्तेमाल, घूम के मार दिया 6 रन। लेकिन जूसी ऑफ वॉली बन गई थी साहिल शेख के लिए, कदमों का स्टेप आउट हुए थे, कदमों का इस्तेमाल भी किया था और गेंद के मेरिट तक पहुंच गए थे, ये बहुत खास बात थी। माई शेख देखा जाए तो और गेंद को लपेट लिया था ऑन साइड की दिशा में 6 रन के लिए। क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? बिल्कुल, बहुत क्लास बैट्समैन है साहिल शेख। हालांकि गेंदबाजी में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे पड़गा और उसके परिसर में। इस वक्त कासने के एंड्रे रसल वैभव हॉल के इस वक्त आ चुके, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं जो एमडी कप में सुपर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी उनकी टीम। हालांकि बहुत भारी लॉट से वो निकले थे एमडी में, लक फैक्टर उनके साथ काम किया था और उनका क्रिकेट भी एमडी कप में बहुत अच्छा हमने देखा। एमडी कप का भी आज मेगा फिनाले जो हमने लोनार परिसर का वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है एमडी कप। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 13 रन। पड़गा टेनिस क्रिकेट की 2 टीमें उस कप में क्वालिफाई कर चुकी है, एक चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे और एक पीजी स्पोर्ट्स कासने। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, चॉप कर दिया, ब्लॉक ऑल में रखा था इस मर्तबा, जड़ से निकाला गेंद को शॉर्ट पॉइंट पर, कपिल माघे ने गेंद को उठाया जमीन के सहारे 1 रन पूरा करते हुए स्कोर धीरे धीरे आगे सरकता हुआ 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि मैच चेक देखा जाए तो दूसरे ओवर में रनों की लुटमार करने की कोशिश हो रही है साहिल शेख और महिंद्रा की तरफ से। बिल्कुल, दत्ता स्मर्तबा गेंद हवा में जरूर है लेकिन हालांकि गेंद पकड़ने की कोशिश भी नहीं की वहां पर। ये देखिए इसका कारण एक ही, सूरज की किरणें उनके आंखों पर चली गई थी। कल जीता हुआ मैच हार गई थी एसीसी पड़गा उसी रीजन से, क्या जो पूरी तरह से सुफियान शेख के पास आया था और जब ताकि उस समय वो लॉन्ग ऑफ की दिशा पर थे और सूरज की पूरी तरह से किरणें उनके आंखों पर छेली गई थी और गेंद को और कैच को उन्होंने छोड़ दिया था। मराठी के मशहूर कमेंटेटर गायकवाड़ सर आपको भी कमेंट्री बॉक्स के साथ जुड़ना है। मर्तबा उठा दिया है, क्लास स्लॉट में मिली थी और विद द टाइड स्वंग कर दिया गेंद को 6 रन। इलेवन डोले 17 में 2 कप के साथ पड़गा टेनिस क्रिकेट में अच्छे नंबर पर रैंक करते हुए जो नाना कप सूर की विजेता टीम है और 5 फॉर्चून मीनाक्षी कानली कप की भी विजेता टीम है। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद 22 रन जबकि 1 ओवर में 5 बने थे और 17 रनों की लूटमार की और दिल खोलकर रन खर्च करते हुए गेंदबाज दत्ता सुतार।
दो विकेटों के नुकसान पर 22 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल कहेंगे माइशी का निवृत्ति मगर सर्फ एम टीम स्वराज डोले का। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त देखिए पड़गा टेनिस क्रिकेट के महान खिलाड़ी, हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने अपना नाम का दबदबा बनाया शेखर दलवी, इस वक्त हमसे जुड़ते हुए उनको भी निवेदन मंच पर बैठे और मंच की शोभा बढ़ाए। दो ओवर्स की समाप्ति के बाद 22 है नंद किशोर, मतलब फुल टॉस गेंद घूम के मार दिया लेकिन टाइमिंग नहीं था खास, अगेन पहले बाउंस पर डीप मिड विकेट के बाहर 4 रन। टेनिस क्रिकेट से कुछ लोग एमसी के लिए ज्वाइन हो जिए जिसके वजह से एमसी में अंपायरिंग भी कर सकते हैं और टेनिस क्रिकेट के माध्यम से भी। शेखर दलवी ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है टेनिस क्रिकेट को। नंद किशोर बाहुबली छोटी गेंद सफल हुए थे, बैट्समैन गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग की दिशा पर और एक 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। अब कई सारे फॉर्म जाएंगे शेखर दलवी के पास। बिल्कुल पड़गा परिसर के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम पर लेदर क्रिकेट में डबल 100, कई ऐसे महान खिलाड़ी है। हालांकि कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, हालांकि भिवंडी में जो वसीम भाई है जो लेदर क्रिकेट बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जयेश पाटिल, सुरेश पारदी, यासर शेख, शेखर दलवी महान खिलाड़ी खेलते रहते, अंजुमन के भी काफ़ी सारे खिलाड़ी खेलते, पड़गा परिसर के सिर्फ एक ही खिलाड़ी उसमें नज़र आते हैं शेखर दलवी जो 20-20 ओवर के मैचेस रहते। और अजय गरत की जो शुरुआत हुई थी उसी कब से हुई थी जो वसीम भाई का लेदर क्रिकेट शो के साथ। स्विच हिट खेलने की कोशिश, बीट हुए विकेट कीपर, देखना क्या कुछ हुआ उस गेंद पर। 22 का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन, दो विकेटों के नुकसान पर नंद किशोर पड़घाट टेनिस क्रिकेट के बाहुबली इस वक्त थोड़े चिंतित नजर आते हुए, हालांकि रनों की लुटमार होती हुई इसके गेंदबाजी पर। इसके बाद सरस्वती खालिंग के कैप्टन और पीजी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। छोटी गेंद आप ट्राइकर पुल पावरफुल और सक्सेसफुल 6 रन। आप ट्राइकर बीच में पटक दिया था बैट्समैन के सामने और गेंद के आने का इंतजार किया था, मिडल ऑफ द बैट बल्ले के बीच में लिया था बैट्समैन महेंद्र ने, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए पुल और पावरफुल 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37, दो विकेटों के नुकसान पर। छोड़ दिया ऊपर लेकिन गेंद चली गई थी लेग स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के पास। टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है और गेंदों का नहीं छोड़ सकते क्योंकि 3 या 4 अधिकांश देखा जाए तो फिर 6 ओवर का मैच रहता है जिसमें अब गेंद ही नहीं छोड़ सकते।
तेज तरार गेंद, पेस में बीट हुए बैट्समैन। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन और तीन ओवर में जीतने के लिए इसके सापे के सामने 38 रनों की चुनौती रखी है निवृत्ति मगर फैम टीम स्वराज डोले ने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे पीजी स्पोर्ट्स कास्ने बनाम सरस्वती खालिंग, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर गायकवाड सर तैयार है टॉस बॉक्स में टॉस के लिए। नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय मगर सर आणि सन्माननीय ज्ञानेश्वरजी मागे यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करणार आहात। दोन महत्त्वाचे आपण संघ फडका परिसरातील पाहिलं तर मातब्बर संघ म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग, त्याचप्रमाणे पीजी स्पोर्ट कासणे ज्यांच्या नावानं हे चषक खेळवलं जातं आहे, ते सुदाम राणे स्वर्गीय त्यांची प्रतिमा आपल्याला पाहायला मिळते। दुसऱ्या बाजूला दत्ता कथोरे यांची प्रतिमा आहे, हे नाणं मी मगर सर यांच्या हातामध्ये सुपूत करत आहे। सरस्वती स्पोर्ट खालिंग वर्सेस पीजी स्पोर्ट कासणे, दोन मात यांच्या दरम्यानची लढत, नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केला जातोय हे निश्चितपणे पीजी कासणेच्या बाजूने लागतोय। मगर सर धन्यवाद, त्याचप्रमाणे ज्ञानेश्वरजी मागे साहेब आपण दोघांनी मंचाची शोभा वाढवायची आहे। एक तगड्या सामन्याकडे जात आहोत आणि पीजी स्पोर्ट कासणे संघाने नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केलेला, आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्रक्षण करणार, क्षेत्रक्षण करणारा सामना तीन षटकांचा असेल। सरस्वती स्पोर्ट खालिंग एक मातब्बर संघ म्हणून ओळखला जातो, तर या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचे मनसुबे ठेवलेले आहेत? 30 पर्यंत रोखत असताना कोणते गोलंदाज आहेत की जे 30 पर्यंत सरस्वती संघाला रोखू शकतात? वैभव, मयूर आहे आणि निलेश। नक्कीच आपण जर पहिला आपला संघ हा एमडी चषकामध्ये गटातून निघालेला आहे, म्हणजे एक चांगली सुरुवात आपल्या दृष्टीने झालेली आहे। या स्पर्धेकडे जर आपण पाहिलं तर सुदाम स्पोर्ट भादाने आयोजित ही स्पर्धा आहे, यूट्यूबच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळतं, टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेता येतोय। एक मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडूला 5-5 सन्मान दिले जात आहे, सुंदर ट्रॉफी प्रदान केली जाते, तर या स्पर्धेबद्दल आपल्याला काय वाटतं? स्पर्धा ही अतिशय खूप छान पद्धतीने झाली आहे आणि या स्पर्धेमध्ये आम्हाला खेळण्याची संधी दिली म्हणून सुदाम स्पोर्ट भादाने या संघाचे आम्ही आभारी। नक्की नाणेफेकीचा कोल जर यथेश तुझ्या बाजूने लागला असता तुझा निर्णय काय असता? क्षेत्ररक्षण असत, परंतु आता फलंदाजी करायची आहे, तर किती धावा तोडण्याचे मनसुबे ठेवलेले आहेत? 35-40 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न, 35-40 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न तू निश्चितपणे करणार आहेस। सरस्वती स्पोर्ट खालिंग एक मातब्बर संघ, पण या वर्षी जेव्हा जेव्हा कबीर 11 खानिवली हा संघ तुमच्या समोर आलेला आहे, त्या त्या वेळेस गटातून निघताना तुम्ही अडखळलेत, तर त्याच्यामागचं कारण, त्याचं जे प्रश्न कबीर 11 खानिवलीनं तुमच्यापुढे उभं केलंय त्याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहात का? नक्कीच नक्कीच, परंतु आता मात्र तुमच्या पुढे जर पाहिलं तर पीजी स्पोर्ट कासणे प्रश्न करणार आहे, या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल आपल्याला काय वाटतं? आयोजन तर खूपच छान केलेलं आणि जिथे सर्व क्रिकेट असताना खेळायला चान्स दिले तिथे धन्यवाद। नक्कीच नाणेफेकीचा कोल आहे तो पीजी स्पोर्ट कासणे संघाने प्राप्त केला, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे, फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघाला। नक्कीच दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा देतोय। माईक ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स जिथे सज्ज आहेत माझे साथी समालोचक आदित्य जाधव। बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड सर, लौट चलते सुदाम ट्रॉफी की दुनिया में इसके सापे बनाम स्वराज डोले के मैच की तरफ। तीन ओवर में जीतने के लिए 38 रनों का पीछा करने के लिए दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर ऋषिकेश पाटिल और उनके साथ कपिल मागे आते हुए गेंदबाजी के लिए पहले ओवर के लिए बाला आते हुए जूनियर बाला। सागर आते हुए आई थिंक पहले ओवर के लिए। ये देखिए बीसीसी के शाहिद खान इस वक्त हमसे जुड़ते हुए आपका भी विशेष हार्दिक स्वागत व्यक्त करते हैं हम। मतलब शपाल हुए के हुक शॉट खेला गया ना बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 4 रन। पाहायला मिळतं पहिल्या चेंडूवर ते अतिशय सुरेख चौकार जोडला जातोय, 4 धावा विजयाचं लक्ष आपण जर पाहिलं तर निश्चितपणे 38 धावांचं आहे, फार मोठं लक्ष असं म्हणता येणार नाही। पुढचा चेंडू
आता मात्र आपण पाहतोय निश्चितपणे ब्लॉक होलचा वेध घेणारा चेंडू होता, परंतु चेंडूची पिचिंग ही डाव्या एसटीच्या बाहेर होते, पायावरती येऊन चेंडू आदळतोय. पंच हजर मोमीन यांचा इशारा येतोय, एक धाव लेगबाईच्या रूपात, धाव फलकावरती धावा झळकत आहेत. बिनबाद पाच, विजयाचं लक्ष 38 धावांचं. डू ऑर डायची स्थिती, दोन्ही संघ तगडे आहेत, नक्कीच धारदार तलवारी या एकमेकीला भिडत आहेत. निश्चित रूप से दोनों भी बैलेंस टीम इस वक्त मैदान में नजर आती हुई. सागर मुर्त्या भाई लेफ्ट आर्म राउंड डिप विकेट, फुल टॉस गेन, भेज दिया डीप स्क्वायर लेग के बाहर, 6 रन. दिली आहे दादा, नक्कीच त्याचं पालन करायचं आहे. सन्माननीय वैभवजी कांबळे साहेब यांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करणार आहोत. नक्कीच आमचे सन्माननीय वैभवजी कांबळे साहेब, गणेश केतन राणे यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभहस्ते. वैभवजी कांबळे साहेब सन्माननीय अतिथी ज्यांचं आगमन झालेलं आहे स्वर्गीय सुदाम राणे चषक 2019 मध्ये, तर आमच्या मान्यवरांचं स्वागत केलं जातंय केतन राणे यांच्या शुभहस्ते. नक्कीच माईची शाल, त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक फुलांचं गुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण स्मृतिचिन्हाच्या माध्यमातून सन्माननीय वैभवजी कांबळे यांना सन्मानित केलं जात आहे. दरम्यान पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ कपिलसाठी, तुम्ही अशा पद्धतीचे चेंडू टाकू शकत नाही, षटकार त्यानं मारला. आता मात्र पूर्ण चलो फुलटो असा चेंडू, नक्कीच पॉवर प्लेचा खेळ आहे, दर्शनीय चौकार जोडला जातोय मिडॉपच्या डोक्यावरनं, दणदणीत सणसणीत खणखणीत चौकार. लेकिन रणनीति पूरी तरह से चेंज की थी कैप्टन स्वराज डोले के. सलमान ने समर्थबा छोटी गेंद सवाल पूछा, लेकिन इंपैक्ट ऑफ स्टंप के काफी बार नॉट आउट घोषित करते हुए सन मोबिन सर रुका हुआ स्कोर 15 रन. अच्छी शुरुआत मिलती भी पावर प्ले के खेल में. नक्कीच विजयाचं लक्ष 38 धावांचं आहे, परंतु 15 धावा धावपलकावरती झळकलेले आहेत. एकी गडी गमावलेली नाही. ऋषिकेश पाटील आणि कपिल मागे दोन दर्जेदार सर्वोत्तम अशा पद्धतीचे फलंदाज आघाडीला आलेले, सलामीला आलेले. सागरचा पुढचा चेंडू समोर जाईल कपिल. नक्कीच आपण पाहतो उजवीकडे शपल होत, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडूची पिचिंग मात्र उजव्या एसटीच्या थोडीशी रोखानं होती. ज्या पद्धतीने चेंडूची हाताळणी केली गेली, असेच चेंडू जर त्याने टाकले असते तर निश्चितपणे चांगली गोलंदाजीचं विश्लेषण आपल्याला पाहायला मिळालं असतं. मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 15 धावा, विजयासाठी अजूनही 23 धावा जोडायचे आहेत. 12 चेंडूला सामोरं जावं लागेल आणि कशा पद्धतीने या 23 धावा जोडल्या जात आहेत. नक्की जेव्हा जेव्हा स्वराज डोहळे आणि एस के सापे या दोन संघांची गाठ पडलेली, त्याच्या वेळेस यावर्षी जर आपण पाहिलं तर सापे संघ चांगली कामगिरी केलेली आहे. स्वराज डोहळे संघानं पहिलं चषक मीनाक्षी कांदळीमध्ये पटकावला, त्याच्यानंतर आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी त्यांची कामगिरी आहे ती ढासळणारी. नाना स्पोर्ट्स सोर येथील स्पर्धेचंसुद्धा त्यांच्याकडे विजेतेपद आहे. अशा पद्धतीने 2 विजेतेपद त्यांच्या नावावरती कोरले गेलेत, परंतु जी कामगिरी आहे ती साजेशी मात्र म्हणता येणार नाही. त्याच्यामध्ये नक्कीच आपण जर पाहिलं तर अतिशय घोडविंदे यांचे आपण पाहिलं तर जायबंदी खेळाडू आहे, खेळतोय खऱ्या अर्थानं, परंतु 2-2 दुखापतीला तो यावर्षी सामोरा गेला होता, त्यामुळे सरावापासून थोडासा दूर राहिला आणि त्याचा परिणाम त्याच्या खेळावर झाला. नुसता त्याच्या खेळावर परिणाम झाला नाही तर स्वराज डोहळेच्या कामगिरीवरसुद्धा त्याचा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज गोलंदाज साहिल ज्युनियरवरती मात्र आता भिजत असेल. निश्चित रूप से लागी टीम में अगर अतिश गुडविंदे खड़े भी रहते मैदान में तो अपोजिशन टीम पर ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाता है. वक्त जरार मुल्ला भी आते हुए बीसीसी के बहुत अच्छे स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर के एक बैट्समैन है, जो स्क्वेयर ऑफ द विकेट और डाउन ऑफ द विकेट बहुत अच्छे खेलते है. ओवर दी विकेट साहिल शेख मुर्त्याबे मर्तबा हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद कारपेट के सारे ट्रैवल होती भी. आतिश गुडविंद ने गेंद को उठाया डीप लॉन्ग ऑन पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. गोली के रफ्तार से गेंद गई थी और नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था और मजबूत बॉटम हैंड से शॉट्स को खेला था ऋषिकेश पाटिल ने. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 16 रन
बिना किसी नुकसान पर 38 रनों का पीछा करती हुई इसके सापे कपिल मागे के लिए अगली गेंद साहिल शेख की। फिर से ब्लॉक ऑल में रखा था, निशाना चूकता हुआ और थ्रो, दूसरे की कोशिश और आउट कपिल मागे। जहां पर विकेट मिल सकता था इसके साफी का, नक्कीच अतिशय चुकीचा निर्णय। या ठिकाणी एक धाव मिळाली होती आणि एक धावाची समाधान मानणं गरजेचं होतं, कारण चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी कपिल करत होता। मात्र आता बाहुबली येतोय, बाहुबलीला आपल्या नावाप्रमाणे सिद्ध करावं लागणार आहे। नक्कीच त्याच्यामध्ये दर्जा आहे, खेळ आहे आणि हा खेळ आणि दर्जा सिद्ध करण्याची वेळ आलेली। धावपालकावरती धावा झळकत्यात, एक गड्याच्या मोबदल्यात 17 विजयाचं लक्ष 38 धावांचं। त्वरित खेळाला सुरुवात करायची दोन्ही संघांना विनंती करतोय। आजचा दिवस आहे महाअंतिम सोहळ्याचा, त्यामुळे वेळेचं फार महत्त्व आहे, कुठेही अधिक वेळ खर्च होणार नाही याची दक्षता तुम्हाला घ्यावी लागेल। दरम्यान गोलंदाजी सज्ज होतोय, साहिल ज्युनियर सामोरा जाईल बाहुबली। नक्कीच बाहुबलीकडनं तमाम पाठीराखे आहेत एस के सापेचे, त्यांची आशा आहे, अपेक्षा आहे आणि या अपेक्षांची पूर्ती त्याला करावीच लागेल, कारण एक महत्त्वाच्या स्पर्धेकडे आपण जात आहोत। क्रिकेटचा सीझन आता जवळजवळ संपायला आलेला आहे आणि अशा वेळेस खेळ दाखवणं गरजेचं। आता मात्र आपण पाहतोय सुंदर चेंडू, पूर्ण लांबीचा चेंडू होता, ब्लॉक होलचा वेध घेणारा चेंडू अचूक रीतीने ओळखला। डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जर पाहिला आपण तर फिरत फिरत गेला। नक्कीच लॉंग लेगच्या क्षेत्रातला क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रापर्यंत गेला शानू आणि या चेंडूवरती दोन धावा पूर्ण झाल्या। दोन धावेच्या जोरावरती धाव पलकावरती धाव झळकत्यात, एक बाद 19, अजूनही 19 धावांची गरज आहे। 9 चेंडूत 19 धावा जोडण्याचं आव्हान एस के सापेपुढे ठाकलेलं आहे। निश्चित रूप से साहिल शेख मुड़ते हुए नंद किशोर के लिए मतलब उठा दिया लॉन्गन की दिशा पर गेंद आतिश गुरविंद के ऊपर से 6 रन। अब डेंजरस रूप धारण करते हुए आतिश गुरविंद सिर्फ दर्शक बन गए थे और बाउंड्री लाइन के जो बाहर दर्शक थे वो खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने हालांकि कैच को अंजाम भी दिया था, सदाम बादाने के वॉलेंटियर से वो सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। साहिल और दी विकेट, बोल्ड होते हुए इस मरतबा आनंद किशोर। अजूनही 13 धावांची गरज आहे। अतिशय सुरेख सुंदर चेंडूची हाताळणी केली होती, आपण जर पाहिलं तर फुल्लर लेन चेंडू होता, पूर्ण लांबीचा चेंडू होता, नीटसा ओळखू शकला नाही। वेगवान मारा, आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला। यापूर्वीच्या चेंडू होते आपण जर पाहिलं सरळ बॅटनं खेळला होता, लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला। क्रिकेटमध्ये आडवे फटके वारंवार तुम्ही खेळू शकत नाही। नक्कीच याची प्रचिती जर आपण पाहिली तर बाहुबलीला आलेली आहे। नंदकिशोर त्रिफळाची तोन तंबूत परततोय, दुसरा झटका, धाव बलकावरती धावसंख्या स्थिर 25 विजयासाठी, अजूनही 13 धावींची गरज। साहिल ज्युनियर गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल मोहन। मोहन अतिशय सुरेख फलंदाजी करत असतो, त्याची चरी ओढावी लागेल त्याला। आता मात्र आपण पाहतोय नक्कीच हा चेंडू खोदून काढला, डी स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये कार्पेटच्या साह्यानं चेंडू धाडला गेला। एक धाव पूर्ण झाली, एका धावीच्या जोरावरती धाव पलकावरती धाव झळकत आहेत 26 विजयासाठी, 6 चेंडू आणि 12 धावींची गरज। अतिशय सुरेख टप एन्काउंटर आपल्याला पाहायला मिळतोय, रोमहर्षक रंगतदार लढत एस के सापे वर्सेस स्वराज डोहळे। ही लढत आहे नक्कीच या दोन संघांच्या दरम्यान आणि दोन्हीही संघाचे जे कर्ते धरते आहेत आपण ज्ञानेश्वर मागे आणि त्याचप्रमाणे मगर सर या दोघांनाही पाहतोय, चर्चा करतायत, लढत मैदानावर चालू आहे, मात्र इथे आयोजकांची चर्चा। बिलकुल क्रिकेट फॉर युनिटी, क्रिकेट एकता का प्रतीक आहे और उस एकता के मद्देनजर को ध्यान में रखकर दोनों भी स्पॉन्सर बातचीत करते हुए, हालांकि जंग मैदान में चल रही है लेकिन मैदान के बाहर अच्छे दोस्त दोनों भी स्पॉन्सर। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन बने 26 और अभी भी जीतने के लिए 12
रनों की जरूरत बची भी छह गेंदों पर। नक्कीच सहा चेंडू आणि 12 धावांचं आव्हान, तर कशा पद्धतीने या 12 धावांचं आव्हान पार पाडलं जातंय। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी नक्कीच गोलंदाज सज्ज होतोय शानू। दरम्यान बी सी सीचा 12वा खेळाडू रफीद भागदोडकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, स्वागत आहे आपलं। सहा चेंडू 12 धावा, टोन लाका एंडकडनं गोलंदाजी सज्ज होतोय शानू। एक शानू तो हमारे मैदान में भी है और दूसरे शानू भी आ चुके हैं। शानू कुरेशी मैन फ्रॉम मुमरा यांनी आम्हाला खूप मोलाची साथ दिली, तर शानू गोलंदाजी करेल, सामोरा जाईल मोहन। पहिला चेंडू खोलवर डप्प्याचा, एक स्लोवर चेंडू होता, लॉंग ऑनच्या वाईड क्षेत्रात चेंडू धाडला गेला, पळून दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र पाहिलं तर क्षेत्रक्षण त्या ठिकाणी थोडीशी फंबलिंग फेकीमध्ये थोडी चुकी झाली होती, चेंडू अडवताना चुकी झाली, मात्र धाव अतिरिक्त बाल होणार याची दक्षता घेतली। 5 चेंडू आणि 11 धावांचं आव्हान। रोचकता निर्माण होती इस मॅच में, हालांकि थ्रो बहुत अच्छा था गायकवाड सर, क्योंकि काफी डीप से आए थे खिलाड़ी साहिल शेख, और एक ही एक्शन में गेंद को उठाया था और थ्रो किया था, लेकिन रन पूरा करते हुए 1-5 में अभी भी 11 चाहिए। ऋषिकेश पाटिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जो ओपन करने के लिए आए थे कपिल मागे के साथ। और दी विकेट शानू, छोटी गेंद भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के बाहर, 6 रन। ऋषिकेश पाटीलची बॅटरी पूर्णपणे चार्ज झाली, बॅटरी चार्ज झाली। एसके सापे संघाची 10 फलकावरती धावा झळकता आहेत, 33 विजयासाठी 4 चेंडू 5 धावेंची गरज। नक्कीच एसके सापे संघ या स्पर्धेमध्ये एका मातब्बर संघाला पराभूत करतोय काय, परंतु मागील सामन्यात आपण पाहिलं 6 चेंडूत 5 धावांची गरज होती आणि आदित्य पडगे संघ मात्र या 5 धावा न करता स्पर्धेच्या बाहेर पडला। मायटी महेंद्रने जी गोलंदाजी केली, नक्कीच कर्णधाराची रणनीती आदित्य पडगे संघाची कोणाला उमगली नाही, कारण ऑफ ब्रेक गोलंदाज समोर असताना डावखुरा फलंदाज पाठवण्याचा जो निर्णय झाला होता तोच निर्णय मोठा आत्मघात की। निश्चित रूप से, हालांकि महेंद्र मागे के पास काफी अनुभव था उस मैच में, हालांकि शानू के पास इतना सारा क्रिकेट का अनुभव नहीं। यंग गेंदबाज उभरते हुए सितारे स्वराज डोले टीम के, और दी विकेट अभी तेज गेंद को भेज दिया है, 6 रन, और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है नैनेश्वर मागे फैम टीम। इसके सापे अनेक अनेक अभिनंदन टीम के कैप्टन दीपेश माली, ऋषिकेश पाटिल, मोहन सालवी, दत्ता सुतार, कपिल मागे, हार्ड लक टफ लक स्वराज डोले, निवृत्ति मगर सर, शफीक सर और अतीश खुड़विंदे, सलमान शेख टीम के कैप्टन, और शानू साहिल शेख।